कॉलर हैं उषा जी, हमारे साथ बात कर लेते हैं। उषा जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी को भी। नमस्कार। जय हिंद। स्वागत मैडम। हम जो हकीम जी के बताए हुए नुस्खे ले रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को काफी फायदा है, लेकिन मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछने हैं कि जिनमें मैं कंफ्यूज हूँ। कि हाँ, मेरे हस्बैंड को बताया था, उनको क्लॉट्स हो गए थे सिर में, तो जैतून का नमक और सोडा बताया था, और मेरी लड़की को शुगर है, उसको जैतून का सिरका ले रही है वो, तो क्या मेरा बेटा भी, वैसे तो उसे कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वो जैतून का वो सिरका ले सकता है वैसे ही? भगवान ने आप लोगों को फायदा दिया, और ये जैतून का सिरके का काम समझ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे लेना चाहिए या नहीं। जैतून का सिरका कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। कहीं भी चर्बी जमा हो गई है, खून में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ये उसको खून से निकाल देता है पेशाब के ज़रिए। एक ये डायबिटीज़ को कम करता है, जैसे बच्ची आपकी ले रही है डायबिटीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ को कम करता है। और पहले ये जैतून का सिरका लोग आम तौर पर बगैर किसी बीमारी के हर खाने के साथ एक दो चम्मच इस्तेमाल करते थे, तो सिरके का चलन ख़त्म हो गया था कुछ दिन बाद। और मैंने लोगों को इसके फ़ायदे बता बता कर इसका दोबारा से प्रयोग शुरू कराया है, क्योंकि ये आपकी किडनी का भी हिफाजत करता है, आपकी दिल की भी हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है, और ब्लड प्रेशर को कम करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, और हार्ट ब्लॉकेज या क्लॉटिंग, दिमाग में क्लॉटिंग हो या दिल में क्लॉटिंग हो, यानी ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनको खोलना इसका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बताने के लिए भी कि आप हकीम साहब के नुस्खे पूरे परिवार को इस्तेमाल करवा रही हैं और परिवार को भी आराम मिल रहा है। अगली कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो उषा जी, लाइन पे हैं आप? हाँ जी जी, बताएं, सवाल करें। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया था, मुझे ये पूछना। उषा, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ, अभी आपकी बात हुई थी। हाँ, जैतून का सिरका जो पानी में मिला के बताते हैं लेने के लिए, हाँ, उसके लिए, तो क्या, एक बार प्रोग्राम में मैंने सुना था कि वो बता रहे थे कि नींबू, लहसुन और जो अदरक का रस इसमें मिलाकर लेते हैं, क्या इसकी चटनी बना के भी ली जा सकती है ऐसे? कितना अच्छा सवाल है जी। हाँ जरूर। देखिए, पहले और मेरे घर में तो आज भी अदरक, लहसुन, नींबू, पुदीना और उसमें थोड़ा सा सिरके में पीस कर एक चटनी बनाई जाती है, जो बड़ी सी बर्तन में रख लेते हैं और वो 15-20 दिन महीना चलती है। तो पहले लोग ऐसी चटनी जो खाने के बाद हमारे खुराक को नुकसान न देने दे और चर्बी निकाल दे, हजम कर दे खाने को, तो यकीनन आप ऐसी चटनी बना के रखा करें। और ये बहुत ज़्यादा, यानी एक तरह की दवा है, जैसे खाने के साथ आपने कोई दवा खा ली हो, ये हजम भी ठीक करती है, खून में खूब ताकत भी लाती है, और आपके जिस्म में हाजमा पूरा करती है, आपको पेट ठीक रहता है, आपको दस्त ठीक होते हैं, आपके जिस्म में तवानाई रहती है। ज़रूर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं रीता जी से। स्वागत है आपका। रीता जी आप लाइन पे हैं? हाँ हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब को नमस्कार। रीता जी जय हिंद। हाँ, स्वागत है। नमस्कार सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत ज्यादा आभारी हूँ सर। अगर आप सामने होते तो मैं आपके चरण छू सकती थी, लेकिन सर आपने इतना अच्छा करा है। मेरी सिस्टर 64 ईयर की हैं,
और उनके उनको फालिज पड़ा था आधे पेट में और उनकी नली बंद थी गले की 4, 9 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, तो एलोपैथिक से ठीक हो गई, लेकिन उनका जो आधा फेस का जो उनका फालिश था, वो जो ब्लिंकिंग थी आईज की और गाल की सर, वो इतनी ज्यादा थी कि वो समाज में नहीं बैठ सकती थी, और उनके यहाँ पार्टीज वगैरह गैदरिंग होती रहती है तो वो बैठ नहीं सकती थी सर, मुंह नहीं दिखा सकती थी, और आपका गोंद सिया खाया सर उन्होंने और सफेद नमक खाया सर, प्लीज सर आपने इतना अच्छा करा है, आज वो 4 लोगों के सामने बैठ सकती हैं, उनकी ब्लिंकिंग खत्म हो गई है आईज की सर, और जो गाल होता है, गाल जो ब्लिंक करता था बहुत ज्यादा हाथ लगाए रहती थी, वो सर उनका जड़ से खत्म हो गया है, गोंद सिया खाया उन्होंने और काला नमक खाया सर, मैं आपकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी सिस्टर को ठीक करा सर, मैं आज बहुत आभारी हूँ आपकी, प्लीज सर आप ये चीज सबको बताइएगा कि अगर फेस में ब्लिंकिंग फालिस पड़ा था उनको फेस में, आधे फेस में सर, वो उनका ठीक हो गया, आप दिल्ली से? बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं सर मैं गाजियाबाद रहती हूँ और आपके यहाँ से ही दवाई लेती हूँ, और एक सर मेरा सवाल था अगर आप कहें तो मैं पूछूं। जी जी हाँ, तो सर मैंने ना आपके यहाँ से वो मंगाया था जामुन का ये नमक जैतून मंगाया था, और सर मैंने इसके वो मंगाया था शुगर के लिए मंगाया था, गोंद जामुन मंगाया था, गोंद जामुन, तो वो सर मैं खा रही हूँ, मुझे काफी आराम है, लेकिन सर वो जो मैंने सिरका मंगाया है उसका, उससे थोड़ा खट्टापन रहता है। आप गाजियाबाद में रहती है, अपना नंबर लिखवा दीजिए, शैलजा आपके यहाँ विजिट करेंगी। अरे बिल्कुल सर, लेकिन सिस्टर जिनको आराम है सर वो देहरादून रहती हैं और आजकल वो भवाली गई हुई हैं, हम हिल्स को बिलोंग करते हैं सर। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं गाजियाबाद रहती हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ सर कि आपने मेरी सिस्टर को ठीक करा जो 4 लोगों के सामने बैठ नहीं सकती थी। बिल्कुल सर बिल्कुल, विश्वास मेरे नुस्खे से बड़ा आपका विश्वास है, और वो विश्वास कभी भगवान की मदद बनकर मरीज को लग जाता है। मैं एक मामूली सा हकीम आपके सामने जो ये किचन की चीज़ें बताता हूँ, इसमें आपका भरोसे का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, और भरोसा करने वाले ही यूनानी इलाज कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा इलाज है, 2-4 महीने इसमें करना पड़ता है, लेकिन आप कभी सोच के देखें कि अगर ये भरोसा नहीं करती तो आपकी सिस्टर का क्या हाल था, जैसे कि आपने बताया बैठने के लायक नहीं थी किसी के सामने, ब्लिंक करती थी और फालिज हो गया था। तो इसमें मेरा तो बस इतना ही है कि मैंने आप तक नुस्खा पहुंचाया, आपका बाकी सारा काम है कि आपने अपनी सिस्टर को भरोसे में लिया, और कभी कभी हमारा भरोसा कम होता है और आपका भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं, और मैं आपकी सिस्टर को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, मेरी तरफ से उनको आदाब कहिएगा, और कभी भी कोई भी नुस्खा आप मालूम करना चाहें तो हम अक्सर चैनल पे होते हैं, नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें नुस्खे भरे पड़े हैं, कभी हमारी बात होती है कभी नहीं होती है, बेहिसाब कॉलर्स होते हैं, और आप ये सोचते हैं कि कैसे बात करें, तो वो YouTube पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं, उसका जवाब भी आपको यकीनन मिलेगा। और जो सिरका है वो असल में खूब खट्टा होता है, तो सिरके की खट्टा होने की शिकायत मत कीजिए, बल्कि असली है वो, इसलिए आपको खट्टा लगता है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से जानकी नंदन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद जानकी जी। जी मैं ये कह रही हूँ, मैं गोंदिया पहले मंगाया था 2 बार और तीसरा डब्बा और मंगाया, एक तो मेरे को नींद में पहले वो जैतून का नम वो मंगाया था छिड़का, उससे मेरा गला पक गया, फिर वो तो मैंने बंद कर दिया, एक ही शीशी बोतल ली है मैंने,
उसके बाद में गोंसिया ले रही हूँ, लेकिन मेरे को रात को बेचैनी रहती है, मेरे को नींद नहीं आती। और कैप्सूल भेजे थे आपने पहले एलोवेरा के थे एक, फिर दो डब्बे और भेजे थे उनसे भी मेरे को, अब एक गोंसिया ले रही हूँ, मेरे को महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन मेरे को नींद में प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। तो सिरका तो आप ना लें, आपको सिरका नहीं चलेगा। अच्छा किया आपने बंद कर दिया। और इससे गोंसिया से अगर आपको फायदा है दर्द में, तो धीरे धीरे, क्योंकि ये दर्द ही ऐसा होता है कि सोने नहीं देता, तो आप ये गोंसिया जारी रखें, धीरे धीरे इतनी तकलीफ कम हो जानी चाहिए कि आपको आसानी से नींद आ जाए। अगले कॉलर हैं गंगानगर से दिलबाग जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे पैरों में दर्द है, पैर सुन्न है। कब से है दिक्कत परेशानी? ये है लगभग 20 साल हो गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 39। जी देखिए। हेलो जी, और कोई सवाल? और मेरे हाथों में, पैरों में और टांगों में करलने पड़ती हैं। ठीक है, मैं समझ गया। करलने बोलते हैं, वैसे नाट पर नाट जो चढ़ती है वो खूब ही है, ज्यादा है। अच्छा देखिए, हमारे जिस्म में दो जगह ज़्यादातर नसें दब जाती हैं। एक तो हमारी कूल्हे से ऊपर, हिप से ऊपर, डिस में, कमर में जो नसें टांगों की तरफ जा रही हैं तो कमर में दब जाती हैं, जिससे तीन तरह के नुकसानात होते हैं, तीन या चार तरह के नुकसान। पैरों में का सुन्न होना, इसमें आम बात है। पैरों में दर्द होना या खिंचाव होना आम बात है। और पैरों में जलन होना, ये बहुत कम लोगों को होता है। तो आपके कमर की नसें दबी हुई हैं, और जहाँ जहाँ भी नसें दबती हैं उनमें एक जगह यहाँ हमारी गर्दन के पीछे की डिस में नसें दबती हैं, जिससे हमारे हाथों में भी सुन्नपन आता है या खिंचाव आता है या दर्द आता है, या कोहनी में दर्द आता है, मोढ़े में दर्द आता है। तो बड़े उम्र के लोगों को ये ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए एक गोंद जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली खरीदिए, नकली बहुत मिलता है, गोंद स्याह। स्याह कहते हैं काले को, गोंद स्याह आप खरीद लीजिए। और आधा ग्राम, बस आधा ग्राम मतलब दो चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद दूध या पानी से ले लिया करिए, आपकी समस्या का हल होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद, स्वागत आपका वीरेंद्र जी। हाँ सर, मैंने जो है ना आपके ये मंगा था सर, नमक जैतून, मैं किडनी पेशेंट हूँ। तो हेलो। हाँ सर सुन रहे हो? आपने नमक जैतून मंगाया? हाँ, तो मेरे किडनी में कम नहीं हो पा रहा है, मुझे मतलब एक साल से ज्यादा हो गया, हुए चक्कर आते थे, उसके लिए मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो बताते हैं आप, और भी कौन सी है चक्कर नहीं मेरे कम हो रहे, दर्द वगैरह तो कम हो गया, मतलब और दूसरे लोगों को दिया मंगा करके उनका तो बहुत आराम हो रहा है, मुझे नहीं हो पा रहा। चक्कर कम हो गए, दर्द में कम राहत है, और लोगों को लेकिन आराम मिल रहा है, दूसरे लोगों को आराम हो रहा है, मुझे नहीं, मेरा भी कम नहीं हो पा रहा है और चक्कर नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है जी। और देखिए इसमें तरह तरह की एक्सरसाइज हैं, अगर फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल लें तो वो कुछ और एक्सरसाइज आपको बता देंगे। तो एक एक्सरसाइज ये है कि ऐसे हाथ रख के और यूँ धक्का दीजिए अपने सर को, हाथ से रोकिए और धक्का दीजिए ऐसे, ये भी एक एक्सरसाइज है। एक ये कि आप यहाँ हाथ रखिए और यूँ धक्का दीजिए तो यहाँ गर्दन चटर चटर से बोलेगी, और इधर रखिए हाथ और
ऐसे करिए तो गर्दन की डिस अपनी जगह पर आ जाती है। ऐसे दो दो मिनट, तीन तीन मिनट एक्सरसाइज करें और कुछ ही वक्त जा रहा है जो आपको मुकम्मल फ़ायदा हुआ चाहता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।